हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इंडिया पर स्वागत करता हूं। हम लोग सीयूटी का आगाज कर चुके हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। उसमें मैंने आपको मैट्रिसेस, इनइक्वालिटीज पढ़ा चुका है, रिलेशन अभी चल रहा है, रिलेशन में मैंने सभी थ्योरी पोर्शन बता चुका है। उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं। इस क्वेश्चन को कराने के बाद मैं मैट्रिसेस की एक क्वेश्चन सीरीज और लाऊंगा, जो कि अब आपको उसको मैं ऐप पे डाल दूंगा, आप वहां से उसको ले लीजिएगा। मैट्रिसेस के बाद आपका इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस, इनइक्वालिटीज के बाद आपके जो रिलेशंस के क्वेश्चन होंगे वह मैं आपको डालूंगा। आपका बस एक काम है कि आप क्वेश्चन सीरीज को वहां से लेके देख के उसको आप क्या करिएगा, सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने में अगर कोई कठिनाई होगी, जिस क्वेश्चन में कठिनाई होती है या प्रॉब्लम होती है, आप उस क्वेश्चनों को टिक करके रखिए और वीडियो में बता दीजिए कमेंट बॉक्स में जाके कि किस किस क्वेश्चन प्रॉब्लम है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को फिर वहां सॉल्व कर देंगे, जिससे आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। हम लोग का बस एक लक्ष्य है, लेट्स स्टडी इंडिया का बस एक लक्ष्य है कि हमारे प्लेटफॉर्म से जितने लोग जुड़े हैं सीयूटी के लिए, सबका कहीं ना कहीं किसी न किसी यूनिवर्सिटी में चयन जरूर हो। तो चलते आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चन सीरीज की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट क्वेश्चन पहला है आपका, लेट यस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यस बी द सेट ऑफ यस क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, और आर क्या है, रिलेशन है यस में। मैंने आर चूंकि रिलेशन होता है, हम इसलिए आर को रियल नंबर नहीं माना, वरना कंफ्यूज होते, तो यस को मैंने लिख दिया सेट ऑफ रियल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है रियल नंबर, तो रियल नंबर का सेट जो है उसको चाहे जैसे डिनोट करो, कोई मतलब नहीं है उसका। एंड रिलेशन आर डिफाइंड ऑन यस एज, आर में उन्हीं रियल नंबर के ऑर्डर पेयर को लेना है जहां पे 1+ AB जो हो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहां पे ए और बी कहां का है, ए और बी जो है आपका वह एस का है, रियल नंबर है, कहने का मतलब। तो आर क्या होगा, देन आर इज फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, बस रिफ्लेक्सिव समझ जाएंगे इतने से, एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसटिव। मैं जानबूझ के शॉर्टकट लिखा हूं, आप इतने समझ जाएंगे, टाइम बचेगा हम लोग को और क्वेश्चन करने में। बट नॉट ट्रांसटिव, दूसरा रिफ्लेक्सिव ट्रांसटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसटिव बट नॉट सिमेट्रिक, बट नॉट सिमेट्रिक। तीसरा है रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक ट्रांसटिव लेते हैं एक साथ, सिमेट्रिक ट्रांसटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। और चौथा आपका ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए पहले ध्यान समझे क्वेश्चन को, एस क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, और रिलेशन आर कहां डिफाइंड है एस में, किस प्रकार से कि आर में उन्हीं रियल नंबर्स के ऑर्डर पेयर को लेना है, आर में उन्हीं रियल नंबर्स के ऑर्डर पेयर को लेना है जिससे कि 1+ AB क्या हो ग्रेटर देन 0 हो। बताना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होगा बट नॉट ट्रांसटिव होगा, रिफ्लेक्सिव ट्रांसटिव होगा बट नॉट सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक ट्रांसटिव होगा बट नॉट रिफ्लेक्सिव होगा, या इनमें से कुछ भी नहीं होगा। पहली बात, बातों को समझें, ए बी आर में कब आएगा जब 1+ AB ग्रेटर देन 0 हो जाए, या यह कह सकते हैं कि अगर 1+ AB
ग्रेटर देन जीरो है तो ए बी कहाँ चला जाएगा? सर आर में चला जाएगा। पक्का? क्लियर मेरी बात? ठीक है। अब आप कोई भी रियल नंबर ले लो, अब आप कोई भी रियल नंबर ले लो, रियल नंबर का सेट मेरा क्या है यहाँ पे? यस है। रियल नंबर का सेट हम लोग क्या है? यस है। ये रिलेशन आर है। कोई भी रियल नंबर ले लो, आप जानते हो चाहे वो पॉजिटिव रियल नंबर हो, पॉजिटिव होगा तो ए इंटू ए क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा। और अगर ए निगेटिव होगा तो भी ए इंटू ए क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो वन प्लस ए इंटू ए क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि वन प्लस समथिंग जब भी होगा जीरो से बड़ा होगा, तो ये ग्रेटर देन जीरो हो गया। और मैंने क्या होता है कि अगर वन प्लस ए बी ग्रेटर देन जीरो है तो ए बी कहाँ है? आर में। इस हिसाब से ए कहाँ होगा? इस हिसाब से ए जो होगा आपका आर में चला आएगा। तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? सेट में कोई मेंबर लो, अगर उसका आर ऑर्बिटल खुद उसी के साथ अगर रिलेशन में है तो क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होता है। रिफ्लेक्सिव का मतलब अब हम लोग का ऑप्शन नंबर एक और दो में से कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर तीन और चार को काट दिया जाए, ऑप्शन नंबर तीन और चार को काट दिया जाए। अब हमारे पास क्वेश्चन में केवल दो ऑप्शन है जो कि वन और टू है। सिमेट्री की बात करते हैं, सिमेट्री की बात कर लेते हैं और दिखाएंगे ट्रांसिटिव अगर है कि नहीं है उसकी बात भी करेंगे। पहले सिमेट्री की बात कर लेते हैं। चलो सिमेट्रिक, सिमेट्री में क्या करते हैं? ए बी कहां है? आर में है। ए बी अगर आर में है तो वन प्लस ए बी क्या होगा? सर ग्रेटर देन जीरो होगा। और अगर वन प्लस ए बी ग्रेटर देन जीरो है तो वन प्लस बी ए भी क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा। बोलो क्लियर है? और वन प्लस बी ए अगर ग्रेटर देन जीरो है तो बी ए कहां होगा? सर बी ए आर में होगा। सर बी ए कहां होगा? सर बी ए आर में होगा। क्लियर है मेरी बात? तो सिमेट्रिक में मैं क्या देखा हूं कि अगर ए बी आर में है तो वन प्लस ए बी ग्रेटर देन जीरो होगा, और अगर वन प्लस ए बी ग्रेटर देन जीरो है तो आर में ए और बी जो होगा कम्यूट कर जाएगा मल्टीप्लीकेशन के साथ, क्योंकि आर में रियल नंबर में मल्टीप्लीकेशन के साथ कम्यूटेटिवला होल्ड करता है। तो अगर ए इंटू बी है तो इसको बी इंटू ए भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ग्रेटर देन जीरो होगा। तो जब वन प्लस ए बी ग्रेटर देन जीरो था तो ए बी कहाँ था? आर में था। तो वन प्लस बी अगर ग्रेटर देन जीरो तो बी कहाँ होगा? आर में होगा। माने सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर टू भी गलत है, ऑप्शन नंबर वन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर वन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ट्रांसिटिव है कि नहीं मैं दिखा देता हूं क्यों नहीं है, ट्रांसिटिव है कि नहीं है, क्यों नहीं है तो मैं दिखा देता हूं। मान लो वन वन बाई टू बिलोंग्स टू आर है तो वन प्लस वन इंटू वन बाई टू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। पक्का? माने वन प्लस वन बाई टू ग्रेटर देन जीरो होगा, थ्री बाई टू ग्रेटर देन जीरो होता है, नो डाउट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। अब मैंने कहा वन बाई टू माइनस वन ले लो, वन बाई टू माइनस वन ले लो तो वन प्लस वन बाई टू इंटू माइनस वन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अगर ये आर में है तो वन बाई टू माइनस वन बाई टू होगा, ये वन बाई टू होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। इसका मतलब कहने का मतलब ये तय हो गया क्या, ये हम लोग सिक्योर हो गए कि वन वन बाई टू आर में है, वन बाई टू माइनस वन आर में है, और अगर ट्रांसिटिव होगा तो वन माइनस वन आर में होना चाहिए। लेकिन ये नहीं होगा, पूछो क्यों? क्योंकि अगर ये आर में होगा तो वन प्लस वन इंटू माइनस वन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, जबकि ये जीरो आ रहा है और जीरो जीरो से बड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए रिलेशन ट्रांसिटिव नहीं है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, या फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। मैंने पूरे रीजन के साथ इस क्वेश्चन को खत्म किया और मैंने बता दिया कि इस क्वेश्चन में क्यों आपका रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव क्यों नहीं है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं उनका क्या है कहना। क्वेश्चन नंबर टू कहता है चलिए देखिए क्वेश्चन है आपका, एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर,
डिफाइन रिलेशन आर ऑनियन, एक रिलेशन आर डिफाइन करने जा रहे हैं कहां पे, एन में, एज ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ जीसीडी बिटवीन ए एंड बी, जीसीडी, जीसीडी मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, या इसी को एससीएफ बोला जाता है, जो क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो टू होना चाहिए। माने उन्हीं दो नेचुरल नंबरों को लेना है आर में, उन्हीं दो नेचुरल नंबरों को लेना है आर में जिनके बीच का एससीएफ क्या हो, दो होना चाहिए। तो पूछ रहा है कि ये रिलेशन क्या होगा, तो पूछ रहा है ये रिलेशन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है आपका रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। ऑप्शन नंबर बी आपका है सिमेट्रिक ओनली, सिमेट्रिक ओनली। सी है इक्विवेलेंस, सी है इक्विवेलेंस। और डी आपका है नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव, माने इसमें से कोई भी नहीं है, इसमें से कोई भी नहीं है, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव, इसमें से कुछ भी नहीं है। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि अगर एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो आर में, आर एक रिलेशन डिफाइंड किया गया है एन में, इनमें उन्हीं दो नंबरों को लेना है, उन्हीं दो नेचुरल नंबर को लेना है जिनके बीच का एससीएफ क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। ठीक है, बातों को थोड़ा समझें, बातों को समझें समझ में आएगा। मैंने ये कहा ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ठीक है, पहले रिलेशन समझ लिए। आर में ए बी को लेना है, किस ए बी को, जिनके बीच का जी सी डी एस सी एफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन क्या होना चाहिए, दो होना चाहिए। ए बी कहाँ का है, एन का है, ए बी कहाँ का है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। माने अगर ए और बी के बीच का एस सी एफ टू हुआ तो वो आर में चला जाएगा, और अगर कोई ए और बी आर में है तो उनके बीच का एससीएफ क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव। कोई भी नेचुरल नंबर ले लो यार, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो भाई आप, उस नंबर का, उस नंबर के साथ जीसीडी क्या होगा, वन होगा, बोलो क्लियर है, सॉरी ए ही होगा। किसी नंबर का उसी नंबर के साथ जीसीडी क्या होता है, वही होता है। दो का दो के साथ जीसीडी दो होगा, चार के साथ चार का जीसीडी कितना होगा, चार ही होगा। सिक्स का सिक्स के साथ सिक्स ही होगा। किसी नंबर का एस सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन उसके साथ क्या होता है, वही होता है। क्लियर, जबकि हमको क्या चाहिए, दो चाहिए, हमको क्या चाहिए, दो चाहिए। इसका मतलब ये जो है, माने कहने का मतलब ये ए जो है वो आर में नहीं आएगा, माने ए आर जो है नॉट रिलेटेड टू ए हो जाएगा, माने रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव का ऑप्शन कैंसिल हो गया, रिफ्लेक्सिव का ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर सी कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर सी कैंसिल हो गया। अब हम लोग के सामने केवल दो ऑप्शन हैं, बी और डी। चलो बी की बात कर लेते हैं, सिमेट्रिक। मान लेते हैं AB जो है R में है, AB अगर R में है तो गारंटी क्या होगा, देन GCD बिटवीन A एंड B कितना होगा, दो होगा। अब खुद सोचो, दो और चार के बीच का GCD दो है, तो चार और दो के बीच का भी GCD तो दो ही होगा, तो मैंने देन GCD बिटवीन B एंड A कितना हो जाएगा, बी एंड ए कितना होगा, सर ये भी तो दो ही होगा। तो ए और बी के बीच का जीसीडी दो है, बी और ए के बीच का जीसीडी क्या होगा, दो ही होगा। इसका मतलब बी ए भी क्या होगा, वह आर में जाएगा। इसका मतलब बी ए भी क्या होगा,
वह आर में जाएगा, तो बी ए अगर आर में जाएगा तो आर सिमेट्रिक हो जाएगा, और सिमेट्रिक अगर हो जाएगा तो यहाँ तो बोला सिमेट्रिक नहीं है, तो ये ऑप्शन कैंसिल होगा, केवल ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अच्छा आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, सर ये ट्रांसटिव क्यों नहीं है, सर ये ट्रांसटिव क्यों नहीं है, तो मैं आपको समझा देता हूं ट्रांसटिव क्यों नहीं है। छह चार दो नेचुरल नंबर है, इनके बीच का जीसीडी कितना है दो, चार अठारह इनके बीच का एससीएफ कितना है दो, चार और अठारह के बीच का एससीएफ निकाल के देख लो दो ही आएगा, तो छह चार चार अठारह तो छह अठारह आएगा ट्रांसटिव में, लेकिन छह अठारह के बीच का एससीएफ कितना होता है छह होता है, इसीलिए जो है यह ट्रांसटिव नहीं है। अगर ट्रांसटिव होता तो छह और अठारह के बीच का एससीएफ दो आना चाहिए था, लेकिन हम लोग जानते क्या हैं कि सिक्स और एटीन के बीच का जो एससीएफ होता है या ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन जो होता है वो हमेशा सिक्स ही होता है, इसीलिए यह आपका ट्रांसटिव नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक फिर बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। इस क्वेश्चन को दिमाग में बैठा लीजिएगा, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड ऑन द सेट, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन The number of equivalence relation that can be defined on set that can be defined on set, set आपका है A B C, option आपके हैं 3, B है 5, सी है 7 और डी है 8। क्लियर मेरी बात? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर किसी सेट के पास तीन एलिमेंट हैं तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, तो तीन अगर एलिमेंट हैं तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने एलिमेंट होंगे, कहोगे सर 9 एलिमेंट होंगे, ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 एलिमेंट हो गए, और कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर सबसेट उसका क्या होता है रिलेशन होता है, तो हर सबसेट अगर रिलेशन होता है तो कुल सबसेट की संख्या कितनी होगी, सर 2^9 होगी, मैंने कुल रिलेशन कितने होंगे 2^9 होंगे, लेकिन उसमें से पांच ही ऐसे होंगे जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे डिस्कस करेंगे कि नंबर आप कैसे रिलेशन निकालते हैं, सिमेट्रिक कैसे होगा, इसलिए मैं बस आप यहाँ पे ऑप्शन आपको बता दिया हूँ कि नंबर आप इक्विवेलेंस रिलेशन अगर तीन एलिमेंटों के सेट में अगर डिफाइन कर रहे हो, अगर तीन एलिमेंट रखा है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन जो होगा वो 5 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम लोग देखते हैं आगे की अप्रोच क्या है। द रिलेशन इज सबसेट ऑफ, द रिलेशन, रिलेशन जो आपका है इज सबसेट ऑफ ऑन सेट ऑफ, ऑन पावर सेट लिख दें, ऑन द पावर सेट पी ए ऑफ सेट ए, ऑन पावर सेट पी ए ऑन पावर सेट पी ए ऑफ सेट ए इज, ऑप्शन आपके हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस, नन ऑफ दीज, सिमेट्रिक, बी है एंटी सिमेट्रिक, सी है इक्विवेलेंस, डी है नन ऑफ दीज। सोचे इस क्वेश्चन के बारे में आप, सोचे इस क्वेश्चन के बारे में आप कि इसका आंसर क्या होना चाहिए,
सोचे इस क्वेश्चन के बारे में आप कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? मेरी पहले एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, मैं बता रखा हूं ऐसे आपको, फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि एंटी सिमेट्रिक क्या होता है। अगर आपका ए बी आर में है और बी ए बी आर में है एंड आर एंटी सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है तो ए बराबर बी होगा। सिमेट्रिक क्या कहता है? सिमेट्रिक कहता है कि अगर ए बी आर में है तो बी ए बी आर में होना चाहिए। यहां रिलेशन क्या है? सबसेट ऑफ, रिलेशन इज सबसेट ऑफ है। पी ए क्या होता है? पावर सेट ऑफ ही। पावर सेट ऑफ क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ है क्या कहलाता है? पावर सेट ऑफ कहलाता है। इसमें मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया है कि कोई भी दो व्यक्ति अगर मिलेगा तो वह क्या होगा? सबसेट होगा। अगर मैंने बोला रिलेशन क्या है कि ए रिलेटेड टू बी, दिस इंप्लाइज दैट ए सबसेट बी हो गया पक्का। और अगर बी रिलेटेड टू ए हुआ तो दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा? बी सबसेट ए होगा। अब खुद सोचो आप कि अगर ए सबसेट बी है, बी सबसेट ए है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? बी नहीं हो जाएगा। ए बराबर बी कब होता है? जब ए सबसेट बी का हो और बी सबसेट किसका हो? ए का हो। अगर ए सबसेट बी का है और बी सबसेट ए का है तो 100% ए बराबर क्या होगा? बी होगा। तो पावर ऑफ ए क्या होता है? पावर सेट ऑफ ए क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए होता है। इसमें रिलेशन कैसा डिफाइन किया गया है कि अगर ए सबसेट बी का है तो ए क्या होगा, सॉरी ए रिलेटेड अगर बी है तो ए सबसेट बी का होगा, और अगर बी रिलेटेड ए है तो बी सबसेट ए का होगा, तो ए बराबर क्या होगा? बी होगा। क्लियर है? तो इसलिए यह क्या होगा? एंटी सिमेट्रिक होगा। मैंने बता रखा है अभी आपको कि अगर ए बी अगर है आर में, बी ए बी आर में है, तो ए बराबर बी होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एंटी सिमेट्रिक होता है। चलते हैं नेक्स्ट और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। द वाइड रिलेशन ऑन ए सेट ए इज, द वाइड रिलेशन ऑन ए सेट ए इज, वाइड माने इंपटी रिलेशन, द वाइड रिलेशन बोलो या इंपटी रिलेशन, द वाइड रिलेशन ऑन अ सेट ए इज। ऑप्शन है आपका रिफ्लेक्सिव, सेकेंड आपका है सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव, सेकेंड आपका है सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव, सी आपका है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, और डी आपका है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसटिव। करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बेचू इंटरेस्ट हो तो कई बार पूछ चुका है। अब आपके सीयूटी है तो भी विश्वविद्यालय के लिए, यूनिवर्सिटी ही है, जाने है कि उसके लिए कॉमन इंट्रेंस टेस्ट ही आप देने जा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को नकारा नहीं जा सकता। ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग लेके चलेंगे कि ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्या होगा इसका ऑप्शन। इम्पटी जानते हो, फाइव जो होता है सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, फाइव जो होता है सबसेट किसका होता है? ए क्रॉस ए का। और मैंने एक वर्ड बोल रखा है, मैंने एक स्टेटमेंट दे रखा है कि ए क्रॉस ए के जितने सबसेट होते हैं वह ए में एक रिलेशन होता है, ए टू ए रिलेशन होता है। तो फाइव सबसेट है ए क्रॉस ए का, माने फाइव क्या एक रिलेशन है, कहां पे? ए में। अब ये रिलेशन कैसा होगा? क्योंकि फाइव में कोई एलिमेंट तो होता नहीं है, फाइव में कोई एलिमेंट तो होता नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव की बात नहीं करेंगे, रिफ्लेक्सिव की बात नहीं करेंगे। क्योंकि देखो रिफ्लेक्सिव के लिए बोला जाता है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, और जबकि सिमेट्रिक के लिए अगर ए बी है
अगर ए भी है तब भी ए देखना, राष्ट्रीय में भी क्या बोला जाता है, अगर ए भी है बी सी है तब ए सी देखोगे, लेकिन रिफ्लेक्सिव में तो 100% गारंटी लिख जाता है फार इबरी, जितने भी सेट में है तुम्हारे कभी भी रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता, रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता तो ऑप्शन नंबर ए खत्म, सी खत्म, डी खत्म, माने इस क्वेश्चन का आंसर तो अपने आप मिल गया, सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव। क्लियर है मेरी बात? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो इम्पटी रिलेशन होता है, जो वाइड रिलेशन होता है किसी भी सेट ए में, वह आपका क्या होता है, वह आपका सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव रिलेशन होता है, वह आपका सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव रिलेशन होता है। क्यों? क्योंकि डिफिनेशन कहता है कि फॉर, अगर रिफ्लेक्सिव के लिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, जबकि हमारा तो यहां ए क्या है, फाई है, पकड़ोगे कहां से वहां पे, जबकि सिमेट्रिक कंट्रास्टिव में क्या बोलते हैं कि अगर ए बी है, अगर ए बी है तो अगर है तब ना, नहीं है तो बात ही खत्म। ट्रांसटिव में ये बोला था अगर ए बी है बी सी है तो ए सी की बात करेंगे, अगर है तो, नहीं है तो बात खत्म। इसका मतलब खाली रिस्ट्रिक्शन आपका कहां लगा, रिफ्लेक्सिव पे लगा, रिफ्लेक्सिव में तीन ऑप्शन हमको देखे इसलिए मैं तीनों काटा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ, आज का एक और अंतिम क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक और अंतिम क्वेश्चन और कर लेते हैं। आर मान लेते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ऑन सेट ए, R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए, कभी ऐसा होता है कभी ना कि हम लोग थ्योरी पढ़े होते हैं फिर भी क्वेश्चन में कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने स्टेटमेंट थ्योरी में पढ़ लिया है कि ये चीज होता है तो होता है, उसको फिर नकारा नहीं जा सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए सेट A, ये हो गया, एंड I विद आइडेंटिटी रिलेशन ऑन A, देन एंड I जो है बी आइडेंटिटी रिलेशन ऑन A, देन कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, हमको बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। R सबसेट I होना चाहिए, R में रिफ्लेक्सिव, B I सबसेट R होना चाहिए, C आपका है R इक्वल टू I होना चाहिए, और D आपका नन ऑफ दीज है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, उसके पहले इस क्वेश्चन के थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दीजिएगा। सेट A है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है पता है कि आइडेंटिटी रिलेशन में, अगर आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइन करते ए में तो क्या आएगा, ए आएगा, बी भी आएगा। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, उस एलिमेंट की इमेज वही हो, उस एलिमेंट की इमेज क्या हो, वही हो। क्लियर है मेरी बात? माने ये कोई जरूरी नहीं है कि यहां पे ध्यान सो, आइडेंटिटी में क्या होता है जैसे ये ए हो गया, अब रिलेशन इसमें डिफाइन किए हैं तो आर में मान लो इसमें ए बी सी डी हो गया, तो R अगर है तो R अगर है तो यहां A भी होगा, BB भी होगा, CC भी होगा और DD भी होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो यही कहता है कि फॉर एवरी A बिलोंग्स टू कैपिटल A, A बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, R में होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव ये कहता है। जबकि आइडेंटिटी अगर रिलेशन करेंगे तो A का अगर A है, B का B है, C का C है, डी का डी नहीं गया तो नहीं लिया जाएगा, तो आइडेंटिटी में केवल तीन ही आएंगे। तो अब बताओ देख के, आर सबसेट है आई का कि आई सबसेट है आर का, हमें तो पता नहीं क्यों दिख रहा है कि इक्वल तो है ही नहीं, इक्वल हो सकते हैं, मे बी इक्वल हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मे बी की बात है, आर सबसेट आई गलत बात है, रिफ्लेक्सिव में सब रहा होगा, नन ऑफ दीज की बात गलत करते हैं, आर इक्वल टू आई हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो हो सकता है और नहीं भी हो सकता की बात अलग है, लेकिन यहां से क्लियर है जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, आई क्या होगा, सबसेट होगा आर का। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आज आपको ये सब बातें समझ में आए होंगी, जितनी भी मैंने सीरीज लेके आई थी क्वेश्चन की, वो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्वेश्चन सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।